हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब तक की बरसात में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। ऊना में हुई भारी बारिश से औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब तक औद्योगिक क्षेत्र को 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बरसात से बड़ा नुकसान हुआ है। बरसात से अब तक प्रदेश को 1000 करोड़ का नुकसान हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र से उन्हें मदद मिलेगी। अभी तक तो इंडस्ट्री को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर 11 तारीख को जो ऊना में भारी बारिश हुई है, जिसमें कि 220 मिलीमीटर बारिश हुई है, उसकी वजह से एक स्वा नदी की ट्रिब्यूटरी है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बाथू बाथरी, वहाँ पे भारी तादाद में बारिश होने की वजह से और नाले में जो है बहुत पानी आया है और उसने इंडस्ट्रियल एरिया को डैमेज किया है। वहाँ पे लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है ऊना में हमारे बाथू बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान हुआ है। उसमें कोई 8-10 फैक्ट्रीज जो हैं वो कम्प्लीटली और पार्शली जो है वॉश आउट हुई और उनको नुकसान हुआ है। एक पेट्रोल पंप है उसको भी डैमेज हुआ है, रोड्स को भी डैमेज हुआ है। बाकी बद्दी ब्रोटीवाला में भी हमको जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कुछ रोड्स है, कुछ पीने के पानी की स्कीम्स है, कुछ इंडस्ट्रीज है, उनको डैमेज हुआ है। मगर जिस तादाद में ऊना में नुकसान हुआ उतना हमारे और इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं नुकसान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज़ को राउंड अबाउट कुछ 100 से 125 करोड़ रुपये का अभी तक नुकसान हुआ है। नहीं, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को जो है अवगत कराया है जो इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल सरकार भी और केंद्र सरकार भी जो है हमको मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश में अभी लगभग 1000 करोड़ रुपए के अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें से बहुत सारी रोड्स हैं, पीने के पानी की स्कीम्स है, और 125 के करीब जो है लोगों की जानें भी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल एटीट्यूड और एक केंद्र एक हिमाचल को आर्थिक रूप से मदद करेगा, ताकि जो ये संकट आया है इससे हिमाचल प्रदेश जो है उबर पाए। वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी।